हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही आरामदायक, बहुत ही कंफर्टेबल पैंट, जिसे हम बोलते हैं उरेबी पैंट। बिल्कुल नॉर्मल पैंट की तरह इसकी कटिंग और स्टिचिंग होगी, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होती है क्योंकि ये बनती है बिल्कुल उरेब। कैसे बनाया जाता है इस पैंट को, आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 1 जुलाई सन 2024 से हमारी लाइव क्लासेस के जो बैचेज है वो शुरू होने जा रहे हैं। अगर आप भी हमसे लाइव क्लास में हमसे स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो 30 जून लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। आपको करना कुछ नहीं है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है रॉबिन फैशन डिज़ाइनर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास टोटल कपड़ा है आप देख सकते हो, ये है मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा। 2.5 मीटर कपड़ा आपको कम से कम लेना है। मैंने ग्लेस कॉटन कपड़ा ले रखा है, बाकी आप अपनी चॉइस का कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। अब कपड़े को आपने बिछाना कैसे है, जैसे हम पैंट की कटिंग करते हैं तो इसमें सेम पैंट की ही तरह कटिंग होगी, लेकिन बस चेंजेस ये होगा कि हम इसको उरेबी बना रहे हैं। तो उरेबी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, ये जो कपड़ा है ना इस प्रकार से, ठीक है, इसका कपड़े का सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है। अब ट्रायंगल आपको कैसे बनाना है ये देखिए, आपको इस प्रकार से पहले कपड़े को खोल लेना है। ये देखिए, कपड़े को मैंने खोल लिया। खोलने के बाद अब आपको इसमें जो ट्रायंगल है वो बनेगा कैसे, ये देखिए, आपको ये देखिए इस तरह से, ये जो कोना है ना, एक कोना उठा लो और इस कोने को आप इस प्रकार से दूसरी साइड ले जाओ, ये देखिए, और नीचे के साइड यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक कॉर्नर सेट करना है। ये देखिए, इस प्रकार से एक पूरा का पूरा आपको कॉर्नर सेट कर लेना है। नीचे इसका कॉर्नर अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसमें आपको मार्किंग कैसे करनी है, तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है। नीचे से शुरुआत करेंगे, इसकी मोहरी है, मोहरी से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आपको पता, पैंट की जो मोहरी हम टोटल कितनी रखेंगे, 12 इंच। तो 12 का कितना होता है, 6। आपको इस प्रकार से इंच टेप को लेकर आना है और जहाँ पर भी 6 इंच आ रहा है, 6 इंच जहाँ पर आ जाए वहीं पर आपने एक बस सिंपल सा एक निशान लगाना है। देखिए, ये 6 इंच यहाँ पर आ रहा है और यहीं से आपको पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। कितना है यहाँ से टोटल, 6 और 6 दूनी 12। अब आप सोचोगे आगे मार्जिन नहीं रखा, मार्जिन हम हमेशा बैक साइड में ही रखते हैं, तो आगे से आपको 6 का 6 ही रखना है। ये देखिए, जो भी पैंट की मोरी उतना आप इसको रख लो। अब इसके बाद जो भी पैंट की आपकी लंबाई है, जैसा कि आपको पता पैंट की जो लंबाई वो कितनी है, 37 इंच, तो 37 में आपको सिर्फ 1 इंच प्लस करना है, कितना हो जाएगा, 38, तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने 1 इंच जो एक्स्ट्रा है वो क्यों लिया है। एक्चुअली दोस्तों, इसमें क्या होगा कि ये जो पैंट है, अब इस पैंट में आप ये सोचोगे नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि नीचे से पैंट है उरेबी, तो इसको हम अगर फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे नीचे सलवटें आएंगी, झोल आएगा, तो इसके लिए हम अलग से पट्टी लगाएंगे इसको फोल्ड करने के लिए। ऐसे ही नीचे लगाएंगे, ऐसे ही ऊपर लगाएंगे, तो टोटल जो भी लंबा उसमें क्या होगा कि आधा इंच मार्जिन में जाएगा जब पट्टी लगेगी, और आधा इंच ऊपर भी चला जाएगा मार्जिन में जब इसमें पट्टी लगेगी। तो लंबाई कितनी रह जाएगी तैयार हमारी, 37 इंच। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, जो भी पैंट की लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। टोटल पैंट की लंबाई 37 है तो मैंने लिया है 38 इंच। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद लंबाई क्लियर हो गई, लंबाई के बाद आते हैं इसकी कमर पर। कमर है टोटल 32, तो 32 का एक चौथाई कितना हो गया, 8 8 चौक 32। अब यहीं से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेना है लगभग 1 इंच के करीब, जैसा हम पैंट की कटिंग करते समय करते हैं। और ये फार्मूला होता है, पैंट की कटिंग सीधी नहीं करनी, हमेशा आपको इस प्रकार से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, इसको मैंने डाउन कर लिया, पैंट की लंबाई रहेगी कहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से आपको 1 इंच डाउन करना है। लंबाई हो गई, कमर हो गई, अब बात करेंगे इसके हिप की। और हिप का नाप हम उसलिए लेते हैं ताकि हम इसका जो क्रोच एरिया यानी आसन निकाल सकें। तो आसन निकालने का तरीका क्या है, आपको जहाँ से आपने ये डाउन किया ना, ये देखिए डाउन कहाँ से किया था, यहाँ से। तो पैंट का हिप है 35, तो 35 का एक चौथाई कितना होता है, इसी जगह से आपको निशान लगाना है। 35 का एक चौथाई होता है 9.25, तो 9.25 पे निशान लगेगा, और इसमें 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। अगर आप कोई ऐसी पैंट बना रहे हो जिसमें फुल इलास्टिक है, तो उसमें आपको 2-3 बातें ऐसी हैं जो याद रखनी है, वो मैं अभी क्लियर करता हूँ कौन कौन सी हैं। पहली बात तो ये, अगर आप ऐसी पैंट बनाते हो जिसमें आगे बेल्ट हो, तो आपको इंच टेप को 1 इंच ऊपर निकाल के फिर क्रोच एरिया लेना है, क्योंकि इसमें बाद में बेल्ट भी ऐड हो जाती है। लेकिन आप ऐसी पैंट बनाओ जिसमें पूरे में इलास्टिक हो, तो आपको इंच टेप को यहीं से लेना है। ये देखिए, तो जो भी हिप का एक चौथाई बनता है 9.25, और इसमें आपको 2.5 इंच ऐड करना है, तो इस प्रकार से क्रोच एरिया निकल जाता है।
अब इसके बाद बात करेंगे थाइज़ की। थाइज़ कितनी है? 22, 22 इंच। तो 22 का आधा कितना होता है? 11, 11 इंच पे आपको निशान लगाना है। और पैंट की मोहरी का निशान मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा ही रखा है। इन दोनों ही निशानों को आपस में मिलाएंगे इस प्रकार से, शेप पट्टी उठानी है और आपस में इनको मिलाना है। ये हो गया। अब इसके बाद आपको अंदर की साइड एक निशान लगाना है 2 इंच पर, ठीक है। और इस निशान को आपने बिल्कुल सीधा इस प्रकार से स्केल उठाना है और बिल्कुल सीधा इसको देखो कहाँ पर आ रहा है, इस तरह से बिल्कुल सीधा इसको ऐसे लेके जाएंगे और यहीं से आपने कर देनी है गोलाई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो पैंट का जो आगे का पार्ट है, यानी कि फ्रंट वाला पार्ट, FRONT फ्रंट, ये है पैंट का आगे वाला हिस्सा। पीछे वाला हिस्सा है अलग तरीके से कटेगा, तो इसकी पहले मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। पैंट का आगे का जो पार्ट है हमारा वो कट चुका है, इसको थोड़ी देर में इस प्रकार से लपेट लेता हूँ। अब इसका जो बैक वाला पार्ट है उसको भी आपने इस प्रकार से ही कट करना है। कपड़े को पूरा घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद इसमें भी ट्रायंगल वाली शेप आपको इस प्रकार से सेट करनी है। कपड़े को पहले मैं इस प्रकार से सेट कर लेता हूँ। तो बैक वाले पार्ट को भी मैंने उसी प्रकार से ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। फ्रंट वाले पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर आपने इसको इस प्रकार से रखना है। ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर रख लिया मैंने। लेकिन आपको जो कटिंग करनी है, तो कटिंग करते समय जो आपको सावधानी बरतनी है, इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो मैं फ्रंट में जो निशान लगाएं ये मैंने बिल्कुल जो मेज़रमेंट था उसके हिसाब से लगाएं, लेकिन जब बैक वाले पार्ट की कटिंग करो तो आपको उसको 2-2 इंच बढ़ाना है। देखिए 2 इंच यहाँ से बढ़ाएगा और 2 इंच ये इसको हम यहाँ से बढ़ाएंगे। आपको उठानी है शेप पट्टी और शेप पट्टी को आपने इस प्रकार से रखना है। देखें यानी कि बैक के जो पल्ले होंगे वो हमें बड़े काटने होंगे। ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी इस प्रकार से। सेम इसी प्रकार से आगे से हमने डाउन किया था 1 इंच, लेकिन जब बैक की कटिंग करनी है तो आपको यहाँ से 2 इंच इसको बढ़ाना है। लंबाई यहाँ से बिल्कुल इक्वल रहेगी और पीछे का पार्ट आपको यहाँ से बढ़ाना है। इसी प्रकार से यहाँ से भी आपको लगभग 2 या फिर 2.5 इंच इसे आप बढ़ा सकते हो बैक साइड से, और इसको इस वाले निशान पर लाकर मिलाना है। और यहाँ पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको करनी है गोलाई। ये गोलाई बिल्कुल इसके सामने जानी चाहिए इस प्रकार से। देखिए तो इस तरह से आप देख सकते हो जो फ्रंट और बैक में जो चेंजेस किया है मैंने, फ्रंट बिल्कुल सेम उसी नाप से कट करा है जो मैंने बॉडी से लिया था, लेकिन बैक में आपको यहाँ से 2-2 इंच बढ़ाना है। कहाँ कहाँ से? 2 इंच इधर से, 2 इंच इधर से, 2 इंच आपको इधर से उठा के रखना है, और इधर से आप 2 की जगह चाहे 2.5 भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें पूरे में इलास्टिक लगानी है, एडजस्ट हो जाएगा। कटिंग करनी है बिल्कुल सेम। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हो आगे के पार्ट ये हैं और ये है पीछे का पार्ट, इनको मैंने कट कर लिया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखिए इधर से जो दोनों भाग बंद है ना, ये इन दोनों को आपने अलग करना है। ये देखिए आगे के पार्ट ये वाले हैं, इसको ऐसे काट कर आपने अलग करना है। ये दोनों हो गए आगे के पार्ट्स। अब ये है पीछे के पार्ट्स, इसको भी काट कर आपने यहाँ से अलग करना है। तो आप देख सकते हो 2 पार्ट ये हो गए और 2 पार्ट हमारे ये हो गए। अब बात करते हैं इसकी सिलाई आपको कैसे करनी है। तो सिलाई के लिए सबसे पहले इसमें देखिए फुल इलास्टिक है, तो आगे इसमें डार्ट तो डलेगी नहीं, पूरे में इलास्टिक लगेगी, लेकिन पॉकेट अगर आप लगाना चाहो तो पॉकेट इसमें लग जाएगी। उसके लिए क्या करना है, इस पार्ट को आपने इस प्रकार से खोल लेना है। ये देखिए अगर आप एक साइड पॉकेट लगाना चाहते हो तो ये राइट हैंड है, तो इसमें पहले पॉकेट के लिए मैं निशान लगा लेता हूँ। तो ऊपर से लगभग आपने 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है, ठीक है। पॉकेट का जो साइज़ नॉर्मल होता है 6 इंच, ये मैंने लगा दिया है। और इस प्रकार से पहले हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट तो नॉर्मल जैसे हम पैंट पर लगाते हैं वैसे ही लगेगी, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है कि पैंट में जो पॉकेट है कैसे लगाई जाती है। फिर भी मैं आपको एक बार कटिंग करके बता देता हूँ। ये देखिए कपड़ा बहुत है हमारे पास जो साइड से बच गया। तो ये हमारी पॉकेट है, पॉकेट की एक नॉर्मल जो चौड़ाई 6-6.5 इंच होती है, लंबाई आप उसकी 13.5-14 के करीब रख सकते हो। तो सबसे पहले इसमें पॉकेट ही लगाएंगे। तो पॉकेट कैसे लगानी है, चलते हैं मशीन पर। तो देखिए सबसे पहले ना आपको ये वाली सिलाई लगानी है, जैसे कि मैंने लगाई है नीचे से। देखिए इस कपड़े को मैंने थोड़ा सा ना यहाँ से हल्का सा नीचे रखा है, वो बाद में कवर हो जाएगा जब इसके ऊपर मैं अलग से पट्टी लगाऊंगा। अब ये जो सिलाई लगाई थी, सिलाई को आपने यहीं से कट कर लेना है। कट करने के बाद
अब ये जो पॉकेट है, इस पॉकेट पे आपने थोड़ा सा नाखून से प्रेस करना है, और ये जो मैंने कट लगाए, कट लगाने से क्या होता है कि ये जो पॉकेट है ना आपकी, इस प्रकार से बन जाती है। देखिए ये कट बाहर की साइड आ जाते हैं। अब इसके ऊपर आप चाहें तो या तो किनारे की सिलाई लगा लो, या फिर इस पर आप एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हो। बाकी पॉकेट जैसे नॉर्मल बनती है पैंट में, हम इसको वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए इसको ऐसे रखना है आपने, ठीक है। आपको यहाँ से गुम सिलाई लगानी है, इसको डायरेक्ट सिलाई नहीं लगानी पॉकेट को, पहले कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे। साइड से जो तीनों कपड़े अलग हैं इनको आपस में इस प्रकार से बिल्कुल बराबर रखेंगे, और यहाँ से आपको सिलाई लगानी है। इस सिलाई को लगाते समय ये जो पॉकेट है इसको नहीं सिल देना साथ में, इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस सिलाई को भी यहाँ से लगा लेंगे। ये जो कपड़ा अलग है ना नीचे से, आप देखें ये जो कपड़ा थोड़ा सा अलग है, इसको आपने इस प्रकार से रखना है, और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को आपने यहाँ से कट करना है। तो पॉकेट हमारी लग चुकी है। पॉकेट लगाने के बाद आगे का प्रोसीजर क्या है, चलते हैं काउंटर पर। सामने के दोनों पार्ट मैंने उठा लिए हैं, एक साइड में मैंने राइट हैंड में पॉकेट लगा ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इस प्रकार से पकड़ना है। ये देखिए इन दोनों ही पार्ट्स को आपस में पकड़ते हुए आपने यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है, और सीधी सिलाई को निकाल देना है। तो पैंट के जो क्रोच एरिया है इसमें मैंने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसका लुक कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा। इसी प्रकार से जो बैक साइड है, बैक साइड के दोनों ही जो पार्ट है क्रोच एरिया के, इस पर भी मैंने इस प्रकार से सिलाई लगा ली है। आगे पीछे सिलाई लगाने के बाद देखिए ये दोनों बैक साइड हैं, ये दोनों फ्रंट साइड हैं। अब इसमें आपको ऊपर की साइड एक पट्टी लगानी है। ये देखिए एक पट्टी उठाएं आप, पट्टी बिल्कुल सीधी रखनी है, बिल्कुल भी देखिए इसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है। पट्टी की चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम 3 इंच। ये देखिए लगभग 3 इंच चौड़ी पट्टी है। इस पट्टी को आपने बहुत आसानी से इस प्रकार से बस सीधा रखना है, इधर से यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है, और ऐसे कैसे सीधी सिलाई लगा लेनी है ऐसे आगे, और ऐसे ही आपको बैक साइड में भी 3 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, इस प्रकार से सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आगे मैंने इसमें इसी पट्टी लगा ली है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक टॉप स्टिच भी लगाई है, सेम इसी तरह से मैंने बैक साइड में भी ये पट्टी लगाई है, और इसके ऊपर ये मैंने टॉप स्टिच लगाई है। अब आपको क्या करना है, इसको रखना है बैक साइड को इस प्रकार से सीधा, और फ्रंट साइड को इसके ऊपर रखना है इस प्रकार से। ये दोनों सिलाई आपस में मिलनी चाहिए आपकी, और यहाँ से आपको सीधी सिलाई लगानी है, इस प्रकार से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। कैसे लगानी है चलते हैं मशीन पर। इस सिलाई को लगाते समय इस चीज़ का ध्यान करें नीचे से पॉकेट ना सिल जाए, पॉकेट को थोड़ा सा साइड में इस प्रकार से करें, और फिर इस प्रकार से सिलाई लगाएं। ये सिलाई मैंने कंप्लीट लगा ली है एक साइड में। अब इसके ऊपर आपको एक टॉप स्टिच लगानी है। देखिए कैसे लगानी है, ये मार्जिन आपको बैक साइड की तरफ करना है, ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है। तो एक साइड से मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, टॉप स्टिच भी लगा ली है। सेम इसी प्रकार से आपको दूसरी साइड भी सिलाई को कंप्लीट करना है। ये सिलाई लगानी बहुत आसान है, और इसमें भी आपको टॉप स्टिच लगानी है। तो गाइज साइड में सिलाई लगाने के बाद अब इसमें नीचे भी आपको सीधी पट्टी लेनी है। देखिए बिल्कुल सीधी पट्टी, वही 3 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, बिल्कुल सिंपल सिलाई लगानी है। इसके बाद टॉप स्टिच लगा के इसको आपने अंदर फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो नीचे इसकी जो मोहरी है, मोहरी पर मैंने इस प्रकार से ये पट्टी लगा ली। कोई किसी प्रकार का आपको झोल नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पट्टी बिल्कुल सीधी थी तो इस वजह से झोल नहीं आता। इसके बाद आपको क्या करना है, इस छोर से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है, ये देखिए, और यहाँ से बिल्कुल इसको आसन को मिलाते हुए, क्रोचेरे को मिलाते हुए इस सिलाई को आपने इधर निकाल लेना है, बिल्कुल बराबर ही सिलाई आएगी। उसके बाद आपने इसी प्रकार से ऊपर से देखिए, ऊपर भी जो पट्टी है बिल्कुल रेब नहीं है, तो आपने ऊपर से भी पट्टी को फोल्ड करना है इस प्रकार से। ये देखिए ये जो सिलाई है ना, ये सिलाई आपकी बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए, इसको भी आपने ऐसे कैसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते समय बस आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से अगर आप सिलाई की शुरुआत करते हो तो थोड़ी दूरी भी आपको सिलाई छोड़ देनी है, क्योंकि बीच में थोड़ी गैप रखना है हमने इसमें इलास्टिक लगाने के लिए। इतना काम करने के बाद इलास्टिक कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऊपर भी सिलाई मैंने लगा ली है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने स्पेस रखा हुआ है। इलास्टिक कैसे लगानी है देखिए, मेरे पास इलास्टिक है, कमर जितनी भी होती है तो कमर से कम 4 इंच आपको इलास्टिक कम लेनी है। जैसे कि देखिए कमर है टोटल 32 इंच, ये आ गया 32 इंच, तो 32 इंच पे पहले एक निशान लगाएंगे, ठीक है। इसमें से आपको 4 इंच कम करना है, 1 2 3 4, यानी कि 28 इंच पर आपको इलास्टिक कट करनी है। ये देखिए अब इस इलास्टिक को हमने इसके अंदर एडजस्ट करना है। आपको लेनी है एक सेफ्टी पिन,
सेफ्टी पिन को इस प्रकार से यहाँ पर रखें। अब देखिए इस पिन को मैंने लगा लिया है, अब इसको आपने कैसे इसके अंदर डालना है। देखिए ये जो जगह है ना, एक छोर से आपको डालना है और दूसरे छोर से इस इलास्टिक को आपने निकाल लेना है। इधर से इलास्टिक को डालेंगे, इलास्टिक को मैंने आर पार कर लिया है। इलास्टिक को आपने इस प्रकार से पकड़ना है और यहाँ पर पहले एक सिलाई लगानी है, इसके बाद इलास्टिक आपकी इस प्रकार से अंदर की साइड चली जाएगी। पूरी इलास्टिक को एक बार इस प्रकार से खींच लें और ये जो थोड़ी सी आपने सिलाई छोड़ रखी थी ना ये वाली, इस सिलाई को भी कंटिन्यू कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं सारे धागे आप फिनिशिंग से कट कर लें और इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरी इलास्टिक को इस प्रकार से पूरे इसमें फैलाना है अच्छी तरीके से। ये देखिए ताकि इलास्टिक हर जगह से बिल्कुल बराबर रहे, जैसे इसको मैं इस प्रकार से सेट कर रहा हूँ ये देखिए। अब इसके बाद आपको उसमें लगानी है एक सिलाई, जैसे इलास्टिक अपनी जगह हिले नहीं बिल्कुल फिक्स रहे, तो बिल्कुल सेंटर में पहले एक सिलाई लगाएंगे। गैदर्स को इस प्रकार से सेट करना है और इलास्टिक को आपने इस प्रकार से लगाना है और इस प्रकार से जब आप सिलाई को लगाओगे तो पूरी कंप्लीट इलास्टिक आपकी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स पैंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इलास्टिक भी लग चुकी है। अब इसको प्रेस वेस करने के बाद, पहनने के बाद इसका जो फाइनल लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये है इस पैंट का फाइनल लुक। एक बार थोड़ा दिखाएं कितनी स्ट्रेच हो रही है पैंट ये, तो ये देखिए कितनी स्ट्रेच पर पैंट हो जाती है ये और पहनने में भी कंफर्टेबल है। अपने थोड़ा सी लेग्स को फोल्ड करके दिखाएं एक बार, ये देखिए आराम से, कोई दिक्कत हो रही है बताओ? नहीं हो रही, कंफर्टेबल है ना एकदम। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आप उरेबी पैंट कैसे बना सकते हो। और अगर आपको आज की वीडियो का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।